हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं टेक फ्यूल और मैं आपका दोस्त लकी। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप ऑल आर गुड, सब बढ़िया मजे में एंजॉय। दोस्तों क्या आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जो कि 6 GB रैम के साथ आता हो, बेस्ट गेमिंग के अंदर हो, फोटोग्राफी में बेस्ट हो, बैकअप के मामले में लेके हर सब चीज़ उसके अंदर बेस्ट हो? तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूं बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आप 15,000 रुपए के अंदर में खरीद सकते हैं, जिसके अंदर 6 GB रैम जैसे फीचर अवेलेबल है, 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आती है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके मैं सपोर्ट करें, ताकि फ्यूचर में जब भी टैक्स रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और हम सब अपडेट रहे। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ। देखते कौन कौन से बढ़िया फोन हमारे बीच जो कि मात्र 15,000 के अंदर आते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में पहला फोन है, ये हमारा पोको की तरफ से वाला, ये हमारा पोको M2, जो कि दोस्तों पोको की तरफ से वाला काफी बढ़िया और शानदार फोन है, जो कि 6 GB रैम के साथ आती है, 64 GB स्टोरेज की वैरायटी अवेलेबल है और 128 GB की वैरायटी अवेलेबल है, जो कि 15,000 के अंदर वाला बहुत बढ़िया फोन है ये। दोस्तों 6 GB रैम वाले पोको M2 के लिए आपको शानदार स्मार्टफोन है। इसमें कैमरे की बात करें तो फोटोग्राफी के लिए क्वाड रियर कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें आपको 13 MP का प्राइमरी सेंसर मिलेगा। पावर बैकअप के लिए फोन में 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। आप चाहे तो इस फोन की स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ा सकते हैं। पोको M2 में कम कीमत में आपको एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, यह फोन लाइनअप 10,499 रुपये में खरीद सकते हैं। और दोस्तों इसमें 128 GB की वैरायटी कीमत अवेलेबल है, जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया है इस लिस्ट में। और दोस्तों इसके अंदर कैमरे वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, बैटरी यहाँ पे आपको 5000 की मिल जाएगी, फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। और दोस्तों इसमें माइक्रो SD कार्ड के जरिए आप इसकी स्टोरेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो 6 GB रैम के ऑप्शन में काफ़ी बढ़िया फोन है, गेमिंग वगैरह में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, बेस्ट फोटोग्राफी के अंदर है और भी बहुत सारी बढ़िया डिटेलिंग है इसके अंदर, और भी अच्छे अच्छे फीचर और खूबियाँ मिलने वाली है इसमें। और दोस्तों इन सारे फोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां जाकर के आप डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो और डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। अगला फोन जो इस चीज में, ये हमारा वीवो की तरफ से वाला वीवो Y20, V20 नहीं, ये वीवो का Y20 सीरीज का फोन है, जो कि कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ 2020 के अंदर। लेकिन दोस्तों ये काफी बढ़िया फोन है, बजट रेंज में, जो कि 6 GB रैम ऑप्शन के साथ आता है और बहुत अच्छा फोन है ये। दोस्तों वीवो Y20 भी एक शानदार स्मार्टफोन है, जिसमें आपको 6 GB रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फोन 3 कलर ऑप्शन में व्हाइट, ब्लैक, ब्लू कलर में मिलेगा। आपको फोन में 13+2+2 MP का ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा। वहीं इस फोन की कीमत की बात करूं तो ये 13,999 रुपये में मिल जाएगा, तकरीबन 14,000 का पड़ेगा। और इस फोन में आपको 6.5 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले दी, जहां पे आपको एक कैमरा ऑप्शन काफी बढ़िया, ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप है, बैटरी बैकअप भी काफी अच्छी है इसकी। तो यह फोन भी एक बजट रेंज में काफी बढ़िया फोन है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। अगला फोन इसमें Xiaomi की तरफ से वाला, ये हमारा Redmi Note 9, जो कि दोस्तों Xiaomi की तरफ से वाला काफी बढ़िया फोन है, बेस्ट बजट फोन है Xiaomi का ये, और 9 सीरीज का सबसे बढ़िया फोन रहा है। दोस्तों आपको पता है 2020 में 9 सीरीज जैसी काफी ज्यादा चली है। दोस्तों 14,999 वाले इस Redmi Note 9 में एक अच्छा ऑप्शन है। इस फोन में आपको 6 GB रैम और शानदार कैमरा दिया गया है, जिसमें आप 48 MP का प्राइमरी कैमरे के साथ क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा। और फोन में 5020 mAh की बैटरी दी गई है और नैनो सिम की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों कैमरा ऑप्शन भी इसकी काफी बढ़िया है, यहाँ पे आपको बेस्ट कैमरा ऑप्शन मिल जाएगा, बेस्ट बैटरी है इसकी, प्रोसेसर भी काफी अच्छा है, 6 GB रैम कॉम्बिनेशन के साथ आता है। दोस्तों गेमिंग वगैरह में आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस मिल जाएगा, बैटरी बैकअप भी इसकी काफी अच्छी है, तो इसमें गेमिंग वगैरह करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, गेमिंग में बहुत बढ़िया फोन है ये, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। अगला फोन इसमें Samsung की तरफ से वाला, ये हमारा Samsung Galaxy M21, जो भी दोस्तों Samsung की तरफ से वाला काफी बढ़िया फोन है, काफी किफायती फोन है। और Samsung के फोन दोस्तों बजट रेंज में बहुत सारे फोन है, उनमें भी ये काफी बढ़िया फोन है, जहाँ पे गेमिंग वगैरह कर सकते हो। इसकी LCD क्वालिटी काफी अच्छा है इस फोन की। Samsung Galaxy M21 में आपको 6 GB रैम दी गई है। इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें 48 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन में सेल्फी के लिए 20 MP का फ्रंट कैमरा है और पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। जरूरत पर में आप फोन की मेमोरी को 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। फोन में आपको 6000 mAh की पावरफुल बैटरी की दी गई है, जो कि फोन को काफी दमदार बनाती है। और दोस्तों इसकी कीमत की बात करो तो ये आपको 14,999 रुपये मिल जाएगा, तकरीबन आपको 15,000 रुपये के अंदर में आता है। तो 15,000 के अंदर में काफी बढ़िया फोन है, बेस्ट बैटरी ऑप्शन साबित हो जाता है। यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, और जो कि दोस्तों काफी ज्यादा है, 6000 mAh की बैटरी बैकअप भी काफी अच्छी है, जो फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। और दोस्तों फ्रंट के अंदर इसमें 20 MP का कैमरा है, जिससे आप 4K वगैरह तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 1080 पिक्सल में। और दोस्तों जो काफी बढ़िया है ये, कैमरे के मामले में भी काफी बढ़िया है, बैटरी के मामले में काफी बढ़िया, रैम इसके अंदर 6 GB है। तो ये एक बेस्ट फोन हो सकता है हमारे गेमिंग के लिए 15,000 के अंदर में। लेकिन दोस्तों ये अगले महीने सारे लिस्ट अपग्रेड हो जाएंगे, तो अगले महीने की लिस्ट में अगले महीने की वीडियो बहुत जल्दी स्टार्टिंग में बना दूंगा, उसमें दिखाऊंगा कुछ नए फोन, तो वो अगले महीने की लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। अब दोस्तों बढ़ते अगले फोन की तरफ। अगला फोन इसमें, ये हमारा रियलमी की तरफ से वाला,
ये हमारा Realme 7, जो कि दोस्तों Realme 7 सीरीज का, Realme 7 सीरीज में 3-4 फोन लॉन्च हुए थे, उनमें से एक फोन है Realme 7, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया फोन है। ये भी 15,000 के अंदर में और बहुत ज्यादा किफायती पॉपुलर है। दोस्तों 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ Realme 7 का यह फोन काफी शानदार है। फोन में आपको क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा जिसमें 64 MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया। वहीं इसमें 65 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मौजूद। यहाँ पे आपको बैटरी की बात करें तो फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और फोन का फ्रेश प्राइस 14,999 रुपए है, जो भी दोस्तों काफी बढ़िया 5000 mAh की बैटरी के साथ आ रही है। ये क्वाड रियर कैमरे का सेटअप है, 6/64 की वैरायटी में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये भी काफी बढ़िया फोन है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों ये थी मेरे नजर में आने वाले 15,000 के अंदर में बेस्ट फोन जो आप इस टाइम खरीद सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे फोन कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों को और ऐसा फोन हो आपकी नजर में 15,000 के अंदर में बेस्ट जो आपको पता हो, जो मैंने इस वीडियो में ऐड ना किया हो, तो वो कमेंट करके यार जरूर बताना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर सकूं। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार आया, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि फ्यूचर में जब भी टैक्स रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे, हम सब अपडेट रहे। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, इसी का हमें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।